स्वागत आप सभी का हमारे वीके स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में आपको अपनी फोटो को कैसे लगाना है। मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो को आप आखिरी तक वॉच करिएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं आपको किस तरह से T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में फ़ोटो लगाना है, तो मैं आपको बताता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी स्मार्ट वॉच को ऑन करना है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस अनबॉक्सिंग वीडियो को देख के 500 रुपीज़ में इस वाली स्मार्ट वॉच को परचेज़ कर सकते हो। क्योंकि गाइस मैंने इस वाली स्मार्ट वॉच को ओनली 500 रुपीज़ में परचेज़ किया। आप कैसे परचेज़ करोगे, उस अनबॉक्सिंग वीडियो पर मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पर जाके आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। तो अभी ऑफर चल रहा, फटाफट इसको परचेज़ कर सकते हो। तो मैं अब आपको बताऊँगा आपको किस तरह से फ़ोटो लगाना है T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड आपको सिंपल सा प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है। एंड आपको इधर पर सर्च करना फिट प्रो। एंड जैसे आप फिट प्रो को सर्च करोगे तो आपको इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना गाइस। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको इस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड गाइस जैसा आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। एंड इधर पर आपको इस वाली स्मार्ट वॉच को सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा अपने मोबाइल फ़ोन से। तो आपको इधर पर अपना ब्लूटूथ को ऑन कर लेना। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इधर पर आप देखोगे नीचे की तरफ एक सेट वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। आपको सेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसा आप सेट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो इधर पर आपको एक डिवाइस वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो आपको क्लिक करना डिवाइस वाले ऑप्शन में। और इधर पर आपके सामने इस तरह की लोडिंग्स होती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। इधर पर आपको मॉडल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा अपनी स्मार्ट वॉच का अल्ट्रा 8। तो आपको क्लिक करके इस पर कनेक्ट कर लेना है। जैसा आप क्लिक कर दोगे आपको इधर पर कनेक्टिंग की जाएगी। इधर पर आपकी स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो जाती है जैसा कि आप देख सकते हो। अगर आपको पता करना आपकी स्मार्ट वॉच कनेक्ट हुई या नहीं हुई तो आपको फाइंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक कर दोगे तो आपकी स्मार्ट वॉच इस तरह से वाइब्रेट होने लगेगी। तो आपको स्टॉप वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। अब आपकी स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा फोटो आपको कैसे लगाना है। तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इधर पर एक डायल सेटिंग्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको डायल सेटिंग्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसा आप डायल सेटिंग्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपको लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद आपको इधर पर एक कस्टम डायल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपल सा इधर पर कोई भी एक थीम को सिलेक्ट करना है। तो मैं इधर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट वाली को। उसके बाद आपको इधर पर एक ऑप्शन देखने के मिलेगा सिलेक्ट वाला ऊपर की तरफ। तो आप जैसे इधर पर क्लिक करोगे तो आपको इधर पर सिंपल सा एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है गैलरी से, जो भी फ़ोटो अपनी स्मार्ट वॉच की स्क्रीन पर लगाना चाहते हो। तो आप अपने हिसाब से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं एक फ़ोटो को इधर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप फ़ोटो को सिलेक्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से इसको इधर पर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सही वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक कर दोगे आपको इंस्टॉल वाले ऑप्शन में क्लिक करना नीचे की तरफ। और जैसा आप इंस्टॉल वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने गो इट वाले एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्लिक करना है। अब इधर पर लोडिंग्स होने लगेगी और आपकी स्मार्ट वॉच में भी कुछ इस तरह की लोडिंग्स होने लगती है जैसा कि आप देख सकते हो। और इधर पर आपकी जो फ़ोटो है मोबाइल से इंस्टॉल होने लगती है आपकी स्मार्ट वॉच में। तो इधर पर जो सेकंड है इधर पर आप देख सकते हो चलते हैं, वो 100% हो गए। तो इधर पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो चलो इधर पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इधर पर परसेंट होने ही वाले हैं। इधर पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से परसेंट होने लगते हैं और हमारी वॉच में इस तरह से हेलो लिखा आ जाता है। एंड आप देख सकते हो फोटो लग चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच को आप कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। एंड जो जो फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं वो मैंने आपको बता दिए। एंड आप इस तरह से फ़ोटो भी लगा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो नीट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।